भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच हुआ टाई तो खुश नहीं दिखे कप्तान रोहित शर्मा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच खेला गया जिसमें श्रीलंका ने 230 रन बनाए लेकिन चेस करते हुए भारतीय टीम भी 230 रन ही बना सकी। कप्तान रोहित शर्मा ने तो अच्छी पारी खेली लेकिन आखिर में शिवम दुबे भारतीय टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे, पर शिवम दुबे के आउट होते ही एक बार फिर पासा श्रीलंका की तरफ पलट गया और 9 विकेट टीम इंडिया के गिर चुके थे। और जब भारतीय टीम को एक रन की जरूरत थी, एक विकेट हाथ में था, तो अर्शदीप सिंह ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की पर अर्शदीप सिंह LBW आउट हो गए और इसी के साथ टीम इंडिया 230 रन ही बना सकी और मैच टाई हो गया। इस मैच में कोई सुपर ओवर नहीं रखा गया और ये पहला वनडे टाई पर ही खत्म हुआ। दोस्तों आपको कहां लगता है कि टीम इंडिया कहां से ये मैच जीत सकती थी और कहां पर टीम इंडिया ने गलती करी जिसकी वजह से ये मैच टीम इंडिया जीत नहीं पाई?